Hello everyone, let's see the next question. Which agencies are used for transfer of the pollen grain? Explain with a suitable example. तो यहाँ पे आपको मीडियम या फिर एजेंट बताना है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, प्लस इसका एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन भी करना है. लेट्स सी द आंसर. पॉलिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम एन एंथर द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट टू द स्टिग्मा विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. Pollen can be transmitted through animals such as insect and birds and also through water, wind, etc. And they are known as pollinating agents. Stamen will interact with the stigma of the same species of the flower. So it is important that the stamen will reach the stigma of the same family plant for a successful pollination. तो देखो, सबसे पहले तो आप पॉलिनेशन के बारे में बता दो कि पॉलिनेशन क्या होता है. पॉलिनेशन क्या होता है? जो भी पोलन होता है एंथर में से निकलता है, मेल पार्ट होता है एंथर प्लांट का, वहाँ से निकल के फीमेल पार्ट में चला जाता है, दैट इज स्टिग्मा. और फिर वहाँ से पोलन ट्यूब बनेगा एंड फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ये आगे की प्रोसेस होगी. ठीक है, पोलन जो होता है वो एनिमल के वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, उसको हम बायोटिक एजेंट बोलेंगे. और कुछ होते हैं जो वाटर के, विंड के हिसाब से भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, जिसको हम अबायोटिक फैक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल्स, वाटर, विंड, एयर, जो भी है, ये सब जो है ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, स्टेमेन जो होता है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है किसके साथ, स्टिग्मा के साथ, ऑफ द सेम स्पीसीज. याद रखना, सेम स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पोलन होता है तभी जर्मिनेट हो सकता है स्टिग्मा के ऊपर, अगर दोनों पोलन एंड स्टिग्मा एक ही प्लांट के स्पीसीज से पाए जाते हो तो. ठीक है, तो तभी ये सक्सेसफुल पॉलिनेशन होता है. अगर सपोज दूसरे स्पीसीज पे स्टेमेन का पोलन जो है वो गिर गया या, तभी भी उसमें पोलन ट्यूब बनने नहीं वाला. तो सक्सेसफुल पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज विद द सेम स्टिग्मा. ठीक है, स्पीसीज कैसे होने चाहिए, दोनों के सेम होने चाहिए. लेट्स सी द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन. ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन आर द वन हु ट्रांसफर्स पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द फ्लावर और अ प्लांट. इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एनाटॉमी एंड ऑन वॉट टाइप ऑफ द फोर्स आर इन्वॉल्व. तो देखो, यहाँ पे एजेंट्स क्या होते हैं, कोई तो भी एक माध्यम होता है जिसके वजह से ये रिप्रोडक्शन हो सकता है सेक्सुअल द्वारा. और यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, ये तो खुद के फ्लावर में गिराएगा या फिर दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाके गिरेगा. ठीक है, अगर हम एनाटॉमी के बेस में देखें तो एनाटॉमी के बेस में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, और फोर्स के बेस में भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एनाटॉमी, दैट इज सिंड्रोमिक एजेंट. दिस एजेंट्स कैन बी इंसेक्ट और एनिमल दैट फीड्स ऑन द नेक्टर. बेसिकली वाइल गैदरिंग द फूड दिस एजेंट्स अटैच पोलन विद देमसेल्फ एंड मेक देमसेल्फ पॉलिनेटिंग एजेंट इन अ क्रॉस पॉलिनेशन. प्रोबोसिस एजेंट दिस एजेंट्स आर एनिमल दैट फीड्स थ्रू देयर लॉन्ग टंग्स कॉल्ड प्रोबोसिस. They basically collect the pollen from one plant while feeding and then transfer into the other plant. तो यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशन एनाटॉमी के बेस में हुआ है. ठीक है, सिंड्रोमिक एजेंट जो है, ये जो एजेंट है फीड करते हैं किस पर, नेक्टर पे. ठीक है, तो जब भी नेक्टर पे फीड करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, ये जो पूरा एनिमल है या फिर इंसेक्ट है, ये नेक्टर गैदर करते वक्त खुद के ऊपर क्या गिर जाता है, थोड़ा सा पोलन गिर जाता है. और जब ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वो पोलन डस्ट करते हुए जाते हैं. ये मोस्टली क्रॉस पोलिनेशन के टाइम पे पाया जाता है. ठीक है, और प्रोबोसिस एजेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोबोसिस होता है मतलब माउथ
पे अगर आपने देखा होगा जो मच्छर होते हैं, मच्छर को एक ऐसे छोटा सा नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्रोबोसिस कहलाता है। ऐसे वो प्रोबोसिस जो है वो जब भी हमारा एजेंट खाते वक्त बाहर लॉन्ग टंग जैसा निकालता है और वो टंग के साथ साथ क्या कलेक्ट हो जाता है, पोलन कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से ये है जो एजेंट है दूसरे प्लांट पे जाएगा, दूसरे फ्लावर पे बैठेगा और वहाँ पे फिर से प्रोबोसिस से क्या करेगा, फीड करेगा। तो प्रोबोसिस से क्या हो जाएगा, पोलन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाएगा। ठीक है, दिस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी। नेक्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वॉट टाइप ऑफ फोर्स आर इन्वॉल्व इन इट, अबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर एजेंट्स दैट यूज अ फिजिकल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल विंड, वाटर, रेन एक्सेट्रा। बायोटिक फैक्टर एजेंट्स दैट वर्क्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई, बीज एक्सेट्रा। तो देखो क्लासिफिकेशन अभी फोर्स के टाइप पे है। यहाँ पे अबायोटिक फोर्स होता है जो फिजिकल नेचर का होता है और यहाँ पे वाटर, विंड, रेन ऐसे चीज़ों को हमने फिजिकल फैक्टर बताया है। अबायोटिक फैक्टर में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट होते हैं, वो एजेंट के जैसे काम करते हैं और यहाँ पे इंसेक्ट हो सकता है जैसे कि बीज, बटरफ्लाई या फिर एनिमल हो सकता है, यहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स से अभी ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्यों देखना है, बिकॉज दिस ये जो पॉलिनेशन का एजेंट्स है ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पे भी बेस्ड होते हैं। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर ऑफ द प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इट कैन ऑल्सो अकर्स व्हेन द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बट द सेम प्लांट ड्यूरिंग द सेल्फ पॉलिनेशन। द एग्स एंड द स्पर्म्स ऑफ द सेम फ्लावर शेयर द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच लीड्स टू द रिडक्शन इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अभी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, यहाँ पे एक तो है ना एक प्लांट होता है, एक प्लांट के ऊपर एक फूल होता है और वो फूल में दोनों भी चीज़ होती है, स्टिग्मा भी होता है और स्टेमेन एंथर भी होता है, राइट। तो अगर एंथर से पोलन निकलते हुए सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, या फिर सेम प्लांट मतलब एक ही प्लांट में दो फ्लावर है और दोनों फ्लावर में से एक फ्लावर का पोलन गिर के निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में अगर गिरे तभी भी इसको सेल्फ पॉलिनेशन ही बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग एंड स्पर्म बोला है तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एग के जगह पे आप स्टिग्मा का ओव्यूल ले लो और स्पर्म के जगह पे यहाँ पे ले लो आप स्पोर। ठीक है, मेल का मेल गैमेट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज अ सेल्फ पॉलिनेशन कि ये पोलन है, पोलन से कहा गिरा है स्टिग्मा सेम फ्लावर में। ठीक है, या फिर सेम प्लांट के फ्लावर्स में गिरेंगे तो अभी भी उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। अभी यहाँ पे देखो सेम होने की वजह से है ना पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा हवा आया तभी भी क्या हो जाता है ये पोलन गिरता है उसी के झाड़ के पास, या फिर ऐसे भी होता है देखिए अभी थोड़ा सा भी हवा का झोंका आया या फिर थोड़ा भी फ्लावर हिल गया तो क्या हो जाता है, बस्ट आउट होता है ये पोलन और किधर गिर जाता है, आजू बाजू के स्टिग्मा पे गिर जाता है। ठीक है, पर क्रॉस पोलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेटिंग एजेंट। लेट्स सी द क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन अकर्स व्हेन द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। ड्यूरिंग द क्रॉस पॉलिनेशन द एग्स एंड द स्पर्म्स विल शेयर देयर जेनेटिक डिफरेंसेस इंफॉर्मेशन विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी। वाइल द कंबाइनिंग द डिफरेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन द ऑफस्प्रिंग विल बिकेम यूनिक। तो यहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग झाड़ होते हैं, दो अलग झाड़ में दो अलग अलग फूल होते हैं, तो सपोज पहले झाड़ का
फूल का स्टिग्मा है और सेकंड झाड़ का फूल का एंथर है। तो सेकंड झाड़ का जो पोलन है वो गिरेगा किसके ऊपर? फर्स्ट फ्लावर के ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो देख लो यहाँ पे ये दो अलग अलग फ्लावर है पर दो अलग अलग झाड़ के फ्लावर है, ठीक है। तो ऐसे अगर पोलन गिरता है स्टिग्मा के ऊपर तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये क्या होता है ना, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेट्स सी द आंसर। टाइप्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स वाया बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। तो यही इंपॉर्टेंट है जो बोल रही थी मैं, आपको एजेंसी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट इंपॉर्टेंट है, बायोटिक या फिर अबायोटिक। लेट्स सी नेक्स्ट। पॉलिनेशन बाय एनिमल दैट इज जूफिली। बेसिकली दिस इज द पॉलिनेशन दैट इज डन बाय द एनिमल। एनिमल प्ले एंड एसेंशियल रोल इन द प्लांट रिप्रोडक्शन एज दे हेल्प्स इन द सीड डिस्पर्सल। द एनिमल स्प्रेड्स द सीड एज दे ईट द फ्रूट फ्रॉम वन प्लांट एंड मूव टू द अनदर न्यू लोकेशन। तो देखो यहाँ पे पॉलिनेशन एनिमल से हो रहा है, यहाँ पे पॉलिनेशन एनिमल डन करता है इसलिए इसको जूफिली बोला है। क्या बोला है? जूफिली। और ये एनिमल क्या होता है, फ्रूट खाने के लिए जाते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, ठीक है। उसी के टाइम पे क्या होता है, सीड भी उनके फर पे लग जाते हैं, पोलन भी उनके फर पे लग जाते हैं। और जैसे दूसरे झाड़ के पास खाने जाएंगे फ्रूट भी खा सकते हैं, लीफ भी खा सकते हैं वो लोग, पर उसी के टाइम पे क्या करेंगे, पोलन डस्ट करते हुए जाएंगे। तो इसको बोलेंगे जूफिली पॉलिनेशन, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय विंड, एनिमोफिली। बेसिकली दिस इज अ पॉलिनेशन दैट इज डन बाय द विंड व्हेन द पोलन आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज स्टिग्मा थ्रू द विंड। तो यहाँ पे विंड इम्पॉर्टेंट है, मतलब हवा इम्पॉर्टेंट है, इसको एनिमोफिली भी बोलते हैं। एनिमोफिली में क्या होता है, जोर से हवा आती है उसकी वजह से जो पोलन होता है एक झाड़ के एक फ्लावर से दूसरे झाड़ के दूसरे फ्लावर पे जाके गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ अ पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, एंथ्रोपोफिली, ठीक है। बेसिकली दिस इज द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन विच मीन्स द पॉलिनेशन इज डन बाय द ह्यूमन बींग। दिस इज डन बाय द स्प्रेडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ओवर द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कैन बी यूज इन दिस प्रोसेस। तो ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी होता है, बहुत सारे टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। बेसिकली हमने थ्री यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं क्योंकि दे हैव आस्क्ड एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, तो हम कोई भी एक बता सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मतलब क्या है, एंथ्रोफिली, ठीक है। एंथ्रो ये ह्यूमन के लिए यूज होता है, तो एंथ्रोफिली मतलब क्या है, ह्यूमन ने क्रिएट किया है पॉलिनेशन इसलिए इसको एंथ्रोफिली बोला है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में हमारे पूर्वज से लेकर अभी तक के यही यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, खुद ही जो पोलन होता है कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, फिर वो जो दूसरा फ्लावर होते हैं वहाँ पे जाके हम वो पोलन को डस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी बोलते हैं। सो दिस वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोलिनेशन एंड वन सुटेबल एग्जांपल भी आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।